हेलो डियर स्टूडेंट, अपना आज का टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन रिक्वायरमेंट, मतलब जो वातावरण के कुछ ऐसे कारक हैं जो तय करते हैं कि सेक्स यानी कि लिंग उसका पुरुष होना है या स्त्री होना है या नर होना है या मादा होना है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स या उदाहरण है जिसका अपन प्रीवियस टॉपिक्स में चर्चा कर चुके हैं, तो आज इसका अध्ययन करेंगे। एज प्रीवियसली मेंशनड इन द डिस्कशन, पिछले कुछ टॉपिक्स में जो टॉपिक्स थे उनमें अध्ययन किया था, तो ये एक नेमेटोड्स हैं, टेलीपोरिया ट्यूबुलोसा, उसके अंदर एनवायरनमेंट फैक्टर्स उत्तरदायी होते हैं जो अपना प्ले रोल करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो इंसेक्ट ही नहीं, बहुत सारे और भी कैसुरिकी जीव हैं जिनके अंदर भी कहीं कहीं वातावरणीय जो कारक हैं वो उत्तरदायी होते हैं उसके सेक्स के लिए। जैसे कुछ सर्टन रेप्टाइल्स के ग्रुप हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स है, टर्टल्स है, एलिगेटर्स है, इनमें ये इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है जहाँ वातावरण का जो टेम्परेचर है वो उत्तरदायी होता है कि सेक्स है वो आगे चल के मेल होना है या फीमेल होना है। तो दिन है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इन क्रोकोडाइल रेप्टाइल मोस्ट टर्टल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द एक्स इनक्यूबेशन टेम्परेचर, देयर आर सेवरल वेरिएबल्स ऑन दैट ऑन दिस थीम्स। तो वहाँ पर जो एलिगेटर्स है, क्रोकोडाइल्स है और रेप्टाइल है और टर्टल्स है, इनके अंदर जो एग जब विकसित होता हुआ होता है तो उसका जो किस तापमान पे उसका डेवलपमेंट होता है, तो वो एग आगे चल के किस रूप में विकसित होगा, मेल के रूप में विकसित होगा या फीमेल के रूप में विकसित होगा, उसको तापमान तय करेगा, कम या ज़्यादा तापमान। जैसे इन द एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल जिसका जूलॉजिकल नेम है मैक्रोलेमियस टेमेंकाई, इनिक्यूशन ऑफ द एग बिलो 20 डिग्री, यानी कि 22 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज़्यादा उसका इनिक्यूशन में उसका डेवलपमेंट हो रहा है हैचलिंग बिफोर हैचलिंग, तो वो किस रूप में आगे चल के डेवलप होगा, फीमेल के रूप में होगा। और वाइल्ड इनिक्यूबेशन लेट इंटरमीडिएट टेम्परेचर, यानी कि इन बिटवीन होगा 22 और 28 के मध्य में, डिग्री के मध्य में तापमान होगा 22 और 28 डिग्री के मध्य में, तो वो किस रूप में विकसित होगा, मेल के रूप में, ज़्यादातर डोमिनेंटली मेल्स के रूप में विकसित होगा। तो ये इस प्रकार का प्रोसेस है जो विकसित होने का, जो तापमान के ऊपर डिपेंड होता है, तापमान के ऊपर निर्भर होता है। जैसे 22 से कम यानी कि कम और 28 से ज़्यादा तो वो फीमेलनेस के लिए उत्तरदायी होगा, और इसके बीच में रहेगा यानी कि 22 और 28 के बीच में रहेगा तो वो किसके लिए उत्तरदायी होगा, मेल के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार का स्नैपिंग टर्टल या एलिगेटर उसमें देखने को मिला। अमेरिकन एलिगेटर सो वे सिमिलर बायोफेसिक, अमेरिकन एलिगेटर से उसमें भी इस प्रकार का प्रक्रिया देखने को मिलती है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। इन द यूरोपियन पॉन्ड टर्टल, एक यूरोपियन जो तालाब में पाया जाने वाला टर्टल है जिसका नाम है ट्राइकमस स्क्रिप्टा, इनिक्यूशन टेम्परेचर अबो 30 डिग्री, तो इनके अंदर क्या होता है जो इसके विकास का जो तापमान है एग का, तो 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो आगे चल के एग किसके रूप में विकसित होगा, फीमेल के रूप में। यदि बिलो होगा 25 डिग्री तो वो मेल के रूप में विकसित होगा। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिक्स हो 28.5 हो तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स प्रोड्यूस होंगे। यदि मान लो आपने 10 इनका एक रख दिए और वो 28.5 डिग्री पे विकसित हो रहे हैं तो उनका नंबर है जो डेवलपमेंट का 5 मेल हो सकते हैं, 5 अंडे आगे चल के मेल के रूप में विकसित होते हैं और 5 एग्स आगे चलकर फीमेल के रूप में विकसित होते हैं, तो ये इक्वल रेशियो आता है। तो ये कुछ ऐसे स्टडीज की गई तो उनमें ये देखा गया कि बिलो और अबो 25 तो मेल या फीमेल के लिए, और इक्वल जो 28.5 डिग्री यदि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है तो वो इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल्स प्रोड्यूस होंगे। द टेम्परेचर डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सेक्स डिटरमाइंस पाथवे हैज बीन स्टडीड इन ग्रेटली इन डिटेल्स ऑन यूरोपियन टर्टल, यूरोपियन टर्टल के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया। जैसे ये एमाइस ऑर्बिकुलरिस क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंडेंट कंपोनेंट अपीयर्स टू बी सिंथेसाइज्ड बाय, तो उनके इसके अंदर भी एक अलग ही प्रक्रिया देखने को मिली। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है कि वो पर्टिकुलर किसी एंजाइम्स के लिए उत्तरदायी होता है और वो एंजाइम्स आगे चलकर किसी एंजाइम्स को किसी और में कन्वर्ट करता है तो वो मेल या फीमेल में कन्वर्ट होता है, या फीमेल होती है तो मेल में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ यहाँ हम देखेंगे जैसे कंपोनेंट जैसे एरोमेटेज है, तो ये एरोमेटेज एक एंजाइम्स है जो क्या करता है टेस्टोस्ट्रॉन को एंड्रोजेंस का जो टेस्टोस्ट्रॉन है उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर यदि टेम्परेचर आगे तो आप ही अगर लाइफ में देखेंगे जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो एरोमेटेज की गतिविधि है एरोमेटेज एंजाइम्स की सक्रियता वो बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्ट्रॉन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही टेस्टोस्ट्रॉन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा तो जो मेल बनना होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेल से
यानी कि नर से मादा में कन्वर्ट हो जा रहा, रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो वो एरोमेटिक एंजाइम्स की सक्रियता बढ़ा देगा। जैसे ही एरोमेटिक्स की सक्रियता बढ़ेगी तो जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेल किसमें रूपांतरित हो जाएगा, फीमेल में रूपांतरित हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है जहाँ पर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर एंजाइम्स की सक्रियता के लिए उत्तरदायी होता है और वो फिर फीमेलनेस और मेलनेस को कोज करता है, मेलनेस और फीमेलनेस का एक कारण बनता है। एज वन कंपेयर द वेरियस मैकेनिज्म फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन अमंग द स्पीशीज, तो इस प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया हर एक अलग अलग जीवों में देखने को मिलती है। इट क्लियर्स दैट इवोल्यूशन हैज प्रोड्यूस न्यूमेरियस सॉल्यूशन फॉर द जेनेटिक, तो ये क्लियर कर देते हैं कि जो उद्भव के जीवों का जो उद्भव है उसके लिए बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म्स विकसित हुई धीरे धीरे। वो देखने की मतलब ये सिग्निफिकेंस है उसके लिए, डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज ट्रेमिडियस एडिटिव रोल, तो सेक्स रिप्रोडक्शन है वो तो एक अलग अपना रोल अदा करता ही है वेरिएशन में, स्पीसीज जनरेशन में, बिकॉज इट इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्योंकि जो सेक्स डिटरमिनेशन में उसमें जीनों के अंदर एक वेरिएबिलिटी, क्योंकि वहाँ रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए वेरिएशन स्पीसीज में आते हैं, पॉपुलेशन इन ईच न्यू जनरेशन, हर एक आगे से आगे। क्रोमोसोम्स प्ले है डिटरमिनिंग रोल्स, तो ये भी अपने देखा देखा कि क्रोमोसोम्स, ज्यादातर क्रोमोसोम्स उत्तरदायी होते हैं बहुत सारे जीवों के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन। बट इवन सो एनवायरमेंटल फैक्टर इंट्रोड्यूस एडिशनल, तो इसके अलावा कहीं कहीं वातावरणीय, जो वातावरण के अंदर जो कारक है जैसे टेम्परेचर, वो भी कहीं कहीं उत्तरदायी होते हैं इस प्रकार के प्रोसेस के लिए। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे मोस्टली जो टेम्परेचर है। कुछ और जो उदाहरण जो एग्जाम्पल्स भी आपको बता देता हूँ, जो अपने पहले कई टॉपिक में चर्चा किए होंगे, कुछ नए भी होंगे। तो ये बार्जर के द्वारा 1935 के अंदर सेक्स डिप्रेशन ड्यू टू द एक्सट्रीम एनवायरमेंट एंड सर्टेन लोअर एनिमल्स, कुछ जो बहुत लोअर एनिमल्स को मतलब कम विकसित जो जीव है जैसे बोनेलिया है, ये मेराइन वॉर्म्स जो एक वॉर्म्स है, मेराइन जो डेवलप्स इन टू ए फीमेल, जब ये सिंगल रहती है तो इसके अंदर ये आपको देखने को मिलता है कि ये इंडिविजुअल डेवलप होती है यदि पानी के अंदर, ठीक है ना, समुद्री पानी के अंदर मेराइन एनिमल मतलब लवणीय जल के अंदर, ये अकेला अकेले रूप में बोनेलिया यदि विकसित हो रहा हो जाए तो किसमें डेवलप होगा, फीमेल में डेवलप होगा। यदि ये इसका लार्वा मादा के साथ जुड़ा हुआ है या अटैच्ड है सर, उसके अंदर एक परजीवी के रूप में वो उसके गर्भाशय के अंदर विकसित होता है, तो उसके अंदर डेवलप हो रहा है, उसके साथ डेवलप हो रहा है, उसके साथ रहकर विकसित हो रहा है, तो वो किसमें डेवलप होगा, लार्वा मेल के रूप में। तो यहाँ पर एक अलग ही कंडीशन है, यदि मतलब वो सिंगल डेवलप हो रहा है तो फीमेल में होगा, या फीमेल के साथ अटैच्ड है तो उसका लार्वा मेल रूप में। तो ये एसोसिएशन है, यदि एसोसिएशन नहीं है, इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो फीमेल है, और मादा के साथ उसका लार्वा डेवलप हो रहा है बोनेलिया का, तो वो मेल के रूप में विकसित होगा, और यहाँ पर वो बोनेलिया का लार्वा एज ए परजीवी के रूप में उसके यूट्रस के अंदर रहता है। द लार्वा ऑफ क्रिपिडुला डेवलप्स इनटू ए मेल इन द कंपनी ऑफ फीमेल, तो यहाँ भी वही चीज है जो यहाँ बोनेलिया के अंदर देखने को मिली, वो क्रिपिडुला में भी यही चीज देखने को मिलती है। मेल जब भी विकसित होता है तब वो फीमेल के साथ एसोसिएट होता है या उसके साथ रहता है। क्रोकोडाइल्स, इनकी अपने चर्चा कर दी, क्रोकोडाइल्स इन टर्टल्स की, इन क्रोकोडाइल्स लो टेम्परेचर इंड्यूस फीमेलनेस, कम तापमान फीमेल को इंड्यूस करता है और ज्यादा तापमान मेलनेस को इंड्यूस करता है। टर्टल के अंदर टेम्परेचर 28 डिग्री से नीचे होता है तो इंड्यूस मेलनेस, और 33 डिग्री से ज्यादा होता है इंड्यूस फीमेल फीमेलनेस। तो ये जो कुछ उदाहरण थे और कुछ ऐसे जीव थे जिनके ऊपर तापमान, और तापमान के ऊपर कुछ जो हार्मोन्स है वो सक्रिय हो जाते हैं, तो वो तय करते हैं कि मेलनेस और फीमेलनेस है। इसके अलावा हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का अगला टॉपिक रहेगा अपना, जिसका चर्चा करते हैं अपन। हार्मोन आर द सीक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लांड, तो आप ये हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लांड्स विच इंडोक्राइन ग्लांड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाते हैं, विच मनी इंस्टेंस मॉडिफाई द सेक्स रेदर डिटरमाइनिंग द सेक्स, तो ये सेक्स को तय नहीं करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं उसको, ठीक है। और ज्यादातर जितने भी वो हार्मोन्स है जो सेक्स सेक्स के लिए, वो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना कि उसके प्राइमरी कैरेक्टर के लिए या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर हार्मोन्स उत्तरदायी नहीं होते। तो ये सिर्फ सेक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, रेयर ये रेदर डिटरमाइनिंग द सेक्स, मतलब ये सीधा सेक्स को तय नहीं करते कि मेल और फीमेल। दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर सेक्सुअल कैरेक्टर। द थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रेविंग्स, तो क्रेव के द्वारा जो चूजे हैं मुर्गी के, या अपने इसको कहें बर्ड्स के अंदर जो अध्ययन किया गया क्रेव के द्वारा, तो उसने देखा कि हार्मोन्स कहीं 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 किसी जीवों में कहीं कहीं
hormones produced by oocyte sex determination के लिए. In course of his investigation, he found a hand which laid fertile egg. तो इन्होंने अपने अध्ययन में या इन्होंने अपने स्टडी में ये देखा कि जो मुर्गी जिसने जो निषेचित अंडा दिया है एक्सीडेंटली लॉस्ट इट्स ओवरी, अंडा देने के बाद वो एक घटना के रूप में उसके अंदर हो जाती है जिसकी वजह से उसका ओवरी जो अंडाशय का वो लॉस्ट हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है, स्टॉप लाइंग है, वो एक देना अंडे देना बंद कर देता है. तो वो किस रूप में विकसित हो जाता है, इट्स कन्वर्ट्स इनटू ए मेल, उसके अंदर मेल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, कॉम मतलब उसकी कंघी कहती है वो, और उसका मेल प्लूमेज आने लग जाते हैं. प्लूमेज एक प्रकार की पंखुड़ियाँ होती है जो मेल की होती है, और यू बिकम एक्ट एज ए कॉम. तो यहाँ पर जो हैन थी वो फीमेल थी पहले, और जैसे ही उसने अंडे देने के बाद उसका क्या हुआ, गर्भाशय ओवरी अंडाशय था वो लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, डिजेनरेट हो गया, और उसने अंडे देना बंद कर दिया. तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, मेल के जो लक्षण है वो विकसित होने लग गए, जैसे कॉम विकसित हो गया, प्लूमेज विकसित हो गया, और इट्स बिकम लुक लाइक ए कॉक, वो तो कॉक की तरह दिखाई दे. द अबो केस ऑफ सेक्स रिवर्सली एक्सप्लेन बाय द एज्यूमिंग दैट डिस्ट्रक्शन आर रिमूवल ऑफ द ओवरी लेड टू द स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओवरी हार्मोन. तो ये एक प्रकार का केस है जो ये दर्शाता है कि उसका सेक्स रिवर्सल कैसे हो गया फीमेल से मेल में. तो ये इसलिए हुआ कि ओवरी का डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब ओवरी खत्म हो गई, तो इसलिए जो हार्मोन्स थे फीमेल के वो उनका उत्पन्न होना बंद हो गया. तो इसलिए ये ओवरियन हार्मोन्स, द डेवलपमेंट ओवरियन हार्मोन्स स्टॉप हो गए, इसकी वजह से ये फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो गई हैन. तो हैन थी वो कॉक में विकसित हो गई. तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन था क्रेव का, जो उसमें ये दर्शाया गया कहीं कहीं जो ओवरी से निकलने वाले या ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस करने वाले जो हार्मोन्स है वो उत्तरदायी है मेलनेस के लिए और फीमेलनेस के लिए. बट तो इनमें बर्ड्स में होता क्या है, कहीं रिडिमेंट्री टेस्टिस पाई जाती है. जैसे ही ओवरी लॉस्ट हो जाती है तो रिडिमेंट्री टेस्टिस एक्ट एज ए वो जो पहले इनएक्टिव थी वो बिकम्स फंक्शनल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है जैसे ही ओवरी लॉस हो जाती है. तो एंड इट प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन्स विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ अ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच ए मेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड बिकम फादर ऑफ टू चिक फादर ऑफ द चिकन्स. तो यहाँ ये क्या है, इन बर्ड्स में ये देखने को मिला, जैसे ही ओवरी लॉस्ट हो जाती है तो बर्ड्स के अंदर क्या रूडिमेंट्री टेस्टिस इनएक्टिव टेस्टिस आपको देखने को मिलती है. जैसे ही ओवरी उसका लॉस्ट हो गया द टेस्टिस रूडिमेंट्री टेस्टिस बिकम्स एक्टिव एंड फंक्शनल एंड प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन्स. तो वो मेल हार्मोन्स की वजह से उसके अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी कैरेक्टर तो थे ही, और वो एक्टिव हो गया जो टेस्टिस तो था ही, और उसके सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे उसका कॉम आना प्यूमेज आना वो डेवलप हो गया, इट बिकम्स कन्वर्टेड फ्रॉम हैंड टू कॉक फ्रॉम फीमेल टू वुमेन. तो मेल से वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया. अनदर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सेक्स रिवर्सल बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन इज ऑब्जेक्ट फ्री मार्टिस. तो ये कैटल्स के अंदर एक दूसरा एग्जाम्पल, तो ये पहला एग्जाम्पल तो आपने बर्ड्स में देखा, चिक के अंदर एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं सेक्स रिवर्सल के लिए, मतलब सेक्स के कन्वर्जन के लिए, मतलब फीमेल से मेल में, तो या मेल से फिर में. तो वो उदाहरण है फ्री मार्टिज्म, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखा था. इन ए कैटल वेन ट्विन्स काल्व्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, मतलब जोड़े के रूप में यदि उसके अंदर बछड़े हैं किसी गाय के अंदर पल रहे हैं, द फीमेल इज यूजली समवॉट एबनॉर्मल एंड स्टेराइल. तो वहाँ क्या है कि जो फीमेल विकसित हो रहा है वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, असामान्य रूप में विकसित हो रहा है, वो स्टेराइल है, मतलब फर्टाइल नहीं है, ठीक है ना. तो सच एक काल्फ इज कॉल्ड ए फ्री मार्टिन. तो इस प्रकार का जो काल्फ डेवलप होगा उसको क्या कहोगे, फ्री मार्टिन, जो यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं. सिंस द मेल हार्मोन अपीयर्स अर्लियर, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब दो जोड़े के रूप में या ट्विन्स डेवलप हो रहे थे, तो यहाँ मतलब दो ट्विन्स हो रहे थे, एक मेल का एक फीमेल, लेकिन जो मेल है वो पूर्व में विकसित हुआ और जो फीमेल है वो लेटर, मतलब बाद में विकसित हुआ. तो मेल के जो हार्मोन्स है वो पहले जनरेट होने लगे. तो इनका जो सर्कुलेशन था, बर्ड का सर्कुलेशन, जो मादा से जुड़े हुए थे अम्बिलिकल कॉर्ड्स कहो या प्लेसेटा से कहो, तो इनका जो सर्कुलेशन है वो एक ही सर्कुलेशन था. तो जो मेल हार्मोन्स है वो सर्कुलेट होके ब्लड के थ्रू फीमेल्स में चले गए, तो इसलिए वो फीमेल क्या होगी, एबनॉर्मल हो जाएगी या स्टेराइल हो जाएगी. तो इस प्रकार का जो स्टेराइल जो काल्फ है या कहो सच काल्फ को आप क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहते. सिंस द मेल हार्मोन्स अपीयर्स अर्लियर इन द डेवलपमेंट, तो विकास के समय जो मेल हार्मोन्स है वो पहले विकसित होने लगे या उनका प्रोडक्शन पहले होना, इट पोसेस इन टू द बॉडी ऑफ द अंडर डेवलप्ड फीमेल. जो फीमेल विकसित हो रही थी उसके शरीर में ये पहुँचने लगे थ्रू द सर्कुलेशन, ठीक है, और सर्कुलेशन के थ्रू ये वहाँ पहुँच लेते, इट कॉजेज पार्शियल सेक्स रिवर्सल ऑफ द फीमेल. तो इस तो ये उसके कारण बने उस फीमेल को कन्वर्ट करने में, कि फीमेल का सेक्स है वो रिवर्सल हो गया, वो स्टेराइल हो जाएगी या वो एबनॉर्मल फीमेल के रूप में विकसित होगी. तो क्यों, तो यहाँ ये है कि जो हार्मोन थे उन्होंने कहीं कहीं जो फीमेल के सेक्स हार्मोन को सप्रेस किया, इसलिए वो
इंटरसेक्स हो जाएगा या वो स्टेराइल हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे जो कहीं कहीं कारक थे जो जो सेक्स को तय करते हैं। जैसे पहला टॉपिक था आपने जहाँ सेक्स डिटरमिनेशन हो रहा था थ्रू एनवायरमेंटल फैक्टर, और दूसरा टॉपिक था जहाँ कहीं कहीं हार्मोन है वो सेक्स डिटरमाइन के उत्तरदायी है। जैसे आपने ये काउ मतलब अपन जो कैटल्स होते हैं जितने भी गाय कह लो और जो हैन है जो बर्ड्स है, तो ये उदाहरण देखने को मिला जहाँ पर हारमोनों में कहीं कहीं उत्तरदायी है बर्ड्स और मैमल्स कैटल्स में। तो अब इसके पश्चात आपके जो जेनेटिक्स पेपर है सेकंड, उसके फर्स्ट यूनिट के दो टॉपिक रहे हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स एंड गायनो एंड्रोमस। उसके बाद ये पहला जो यूनिट है सेकंड पेपर का ये खत्म हो जाएगा। शायद नेक्स्ट वाले टॉपिक है तो मैं कल आपको ई लेक्चर के थ्रू या ई वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा दूँ, तो हो सकता है ये पेपर का पहला यूनिट कल ही खत्म हो जाए। तो दो टॉपिक बचे हैं फर्स्ट यूनिट के जो कल या परसों तक आगे आने वाले लेक्चर्स के थ्रू ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। इसकी कोई भी डिफ़िकल्टीज हो समझने में या कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप पे व्हाट्सएप पे नहीं, इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे आपकी क्यूरीज या कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज का इतना ही टॉपिक।